नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कहते हैं जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, और जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की खबर आई, इस कहावत ने एक बार फिर से खुद को सच साबित कर दिया। अब देखिए ना, महज 40 साल की उम्र में एक ऐसा नौजवान जो अच्छे खासे प्रोजेक्ट कर रहा था, जो अच्छा खासा दिखता था, फिटनेस को लेकर वो बहुत ज्यादा फ्रीक दिखते थे, ये हमने बिग बॉस 13 में भी देखा, अचानक से खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। आपको आखिरी ट्वीट बताते हैं सिद्धार्थ शुक्ला का, जो उन्होंने 30 अगस्त को किया था 4:49 पर शाम को, और ये ट्वीट उनका जुड़ा था पैरा ओलंपिक स्टार से। पैरा ओलंपियन सुमित अंतिल ने गोल्ड दिलाया है देश को जैवलिन थ्रो में, और इसी को लेकर उन्होंने सुमित अंतिल को बधाई दी थी, और साथ ही साथ अपने ट्वीट में उन्होंने अवनी लेखरा का भी जिक्र किया था। 30 अगस्त की शाम का ये ट्वीट क्या कहता है सिद्धार्थ शुक्ला का, सुनिए। Indians making us proud over and over again. A world record in addition to the gold in Paralympics. Congratulations, Sumit Antil and Avni Lekhra. इससे पहले 22 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने तमाम फैंस को बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी, और लिखा था, Happy रक्षाबंधन to all. Thank you all for protecting me on social media and being there for me always. जितनी बार भी सिद्धार्थ शुक्ला की ट्रोलिंग होने लगती थी या फिर किसी न किसी वजह से उनकी आलोचना होती थी, तो सिद्धार्थ के फैंस की एक पूरी आर्मी थी जो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बचाती थी। उन्हीं सबका शुक्रिया अदा करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी थी सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने फैंस को। ये दो ट्वीट हैं जो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, और सोचिए 30 अगस्त की शाम का ट्वीट उनका आखिरी ट्वीट था, और उसके कुछ घंटों बाद ही यानी कि आज 2 सितंबर को उनकी मौत की खबर सामने आ गई।